कोरोना वायरस और इंडिया की इकोनॉमी, इस पे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस तो एक प्रॉब्लम जरूर है इंडिया के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सही सुना, इंडिया हो सकता है कि एक फाइनेंशियल सुपर पावर, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ जो US से हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं, फाइनेंशियल सुपर पावर की तरह बन सकता है। मैं इस पॉइंट को पूरे लॉजिक और सोच समझ के बोल रहा हूँ, और मैं इसके लिए एक एक डेटा भी दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होगा। तो मैं हिमांशु कुमार, और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पूरा जरूर देखें कि इंडिया कैन बी सुपर पावर इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि चाइना की तरह इंडिया भी हो सकता है, बशर्ते उसमें बहुत तरह की कंडीशंस हैं, बहुत तरह के लॉजिक्स हैं। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है और क्यों ये लग रहा है कि हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड है कोरोना और चाइना, और इसको अगर हम समझते हैं तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कि आज की डेट में अगर मैं कोरोना की बात करूं तो 25,73,000 केसेस हैं वर्ल्ड वाइड, 1,78,000 डेथ हो चुके हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड कंट्री हैं वो है US, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK, टर्की, ईरान, उसके बाद चाइना। अब हम बात करते हैं कि इन कंट्री का क्या कहना है। पहली चीज़ समझिए कि कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट बहुत क्लियर है कि इसमें चाइना की लापरवाही है। ये सारी कंट्री, जो भी बड़ी कंट्री हैं, जो टॉप 5 इकोनॉमी है दुनिया का, उनका मानना है। साथ के साथ उनकी अगर स्टेटमेंट आप अगर निकालें, ट्रंप के और UK गवर्नमेंट सबके, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको आप डिनाई नहीं करा सकते हैं, और इसमें बहुत तरह के अलग अलग थ्योरी चल रहे हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि चाइना इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब मैं पहले बताऊं कि जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है वो कौन कौन है, US, चाइना, जापान, जर्मनी, UK, और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, उसके बाद फ्रांस, इटली, ब्राज़ील। अब मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप कंपेरिजन देखें तो जो कोरोना के जो सबसे बड़े शिकार लोग हैं वो इसी में से मेन कंट्री है। अब होगा क्या, पहले ये समझ लें कि जो भी बड़ी कंट्री है चाइना से कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत समझ के और सोच के बता रहा हूँ ये डेटा कि चाइना का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हमारे पास कितना न्यूक्लियर पावर है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम फाइनेंशियल टर्म्स में कितना इम्पैक्ट डालते हैं चाइना पे, चाइना का अमेरिका पे। तो सबसे पहले मैं बात करूं अमेरिका के जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा है उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर इम्पोर्ट की बात करें तो चाइना का इम्पोर्ट 2019 में, US का इम्पोर्ट माफ करेंगे, 4,52,263 लाख मिलियन था। यानी कि अगर GDP की बात करें तो एक बहुत चाइना का एक बहुत बड़ा रोल भी है, और साथ के साथ जो US का पूरा इम्पोर्ट है उसका 18% चाइना देता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें चाइना का, तो 1,06,000 मिलियन है, बहुत बड़ा डेफिसिट है। 2019 में ये कम इसलिए हो गया क्योंकि चाइना और US में एक ट्रेड वार चल रहा था, उसकी वजह से। अदरवाइज 2018 की बात करें तो 5,39,000 मिलियन के आसपास का ये ट्रेड था इम्पोर्ट का, और जो एक्सपोर्ट था 1,20,000 मिलियन था। यानी कि चाहे अमेरिका कितना भी कुछ कह ले, कुछ कर नहीं सकते, ये गीदर भक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पहली चीज़। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये बताऊँगा कि कैसे US इसको टैकल करेगा। मेरा ये मानना है कि US उसी तरह से टैकल करेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी चाइना का US ट्रेजरी मार्केट में 1.7 ट्रिलियन का एक्सपोजर है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है, नंबर टू होने के कारण आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा लगा है। अब आते हैं UK की तरफ। UK में भी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की भी उसी हिसाब से जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका GDP का, जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, GDP में जो एक्सपोर्ट है वो 30% का कंट्रीब्यूशन देती है पूरा, और उसमें जो नंबर वन है UK के लिए वो जर्मनी है, और उसके बाद चाइना है, और चाइना का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं UK की बात करूँ, UK का एक्सपोर्ट है जो चाइना से है एक्सपोर्ट,
487,000 और इम्पोर्ट है 670,000 मिलियन का। यानी कि आप समझें कि कितना बड़ा अगेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है यूके की इकोनॉमी में। ये नंबर दो सप्लायर है, जर्मनी के बाद चाइना है। जर्मनी सबसे बड़ा सप्लायर है वहाँ के लिए, यूके के लिए, उसके बाद चाइना है। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन पे। यूरोपियन यूनियन भी कोरोना का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कोरोना की प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहा है। वहाँ भी अगर मैं बात करूँ पौंड में, तो 395 बिलियन का चाइना से उनका इम्पोर्ट है और 210 बिलियन पौंड का एक्सपोर्ट है। यहाँ भी बहुत बड़ा गैप, यानी कि यूरोप बहुत हद तक इन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको माल की ज़रूरत है। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इनकी इकोनॉमी कैसे मूव कर रही है। अगर आप आज कहें कि चाइना ने ही सब कुछ किया, फिर भी हम कुछ करने के पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। तो पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये मामला है, एक्सपोर्ट पर क्या उनका रोल है। अगर मैं जर्मनी की भी बात करूँ, तो जर्मनी में चाइना नंबर वन है। उसमें भी लगभग अगर मैं जर्मनी की बात करूं, तो 126,722 मिलियन का इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है 110,000 के आसपास का है। यानी कि जर्मनी पे भी नंबर वन अगर जो कंट्री जिससे माल आ रहा है वो चाइना है। एक जापान रह गया। जापान की भी बात करें तो जापान की भी हालत वही है, 173,000 मिलियन का इम्पोर्ट है और चाइना को 144,000 का एक्सपोर्ट है। यानी अगेन इनका 18% के जीडीपी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इम्पैक्ट हो जाता है जापान का। अब चाइना के मैं ये तो मैंने कंट्री वाइज बताया, अब मैं चाइना के 10 जो बड़ी कंट्री हैं जो उनके पार्टनर्स हैं जहां चाइना ट्रेड करता है, मैं उसको एक बार केवल ब्रीफ कर दूं। नंबर वन में यूनाइटेड स्टेट है चाइना के लिए, दूसरे में हांगकांग है, हांगकांग भी चाइना का पार्ट है और वहां से बाहर माल रूट होता है। चाइना हांगकांग कंजम्पशन नहीं करता बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वह बाहर ही जाता है। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, 6 नंबर पे जर्मनी, 7 नंबर पे इंडिया, 8 नंबर पे नीदरलैंड, 9 नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, 10 नंबर पे ताइवान, 11 नंबर पे सिंगापुर, 12 नंबर पे मलेशिया, 13 नंबर पे रसिया, 14 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 15 नंबर पे मैक्सिमो। ये 15 ऐसी कंट्री हैं जिनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है चाइना के साथ। चाइना इनको सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है, चाहे वो किसी तरह के प्रोडक्ट हो। यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका पूरा इनकी जीडीपी पे कहीं ना कहीं चाइना का एक हेवी वेट वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, अब हमें समझने की ज़रूरत है कि अब ये कोरोना के इम्पैक्ट ने किया क्या। कोरोना के इम्पैक्ट से सारी दुनिया परेशान है, लगभग 180 कंट्री के आसपास इस वायरस से परेशान है। उसमें जो मेजर टॉप 5 जो कंट्री है जो इकोनॉमी में, वो भी परेशान है। लेकिन दिक्कत यह है कि चाइना के साथ वो बहुत कुछ कर नहीं सकते। अब एक सिनारियो, एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल क्या बन रहा है, हर जो टॉप कंट्री जो टॉप 5 इकोनॉमी है दुनिया की, उन्हें अब एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए। चाइना को अगर सबक सिखाना है उन्हें, क्योंकि अब होगा क्या, अब गुटबाजी होगी। मेरे हिसाब से गुटबाजी कैसे होगी, गुटबाजी का मतलब अब जो बड़ी कंट्री है US, आपको जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली, ये लोग क्या करेंगे, गुट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी बात पे भी अमल रहे, अपने मैसेजिंग भी दे पाए कि उन्होंने चाइना को सिखाया। ये किस हद तक होगा मुझे नहीं पता। बहुत लोग कह रहे थर्ड वर्ल्ड, कुछ वर्ल्ड वार नहीं होने वाला, फाइनेंशियल ट्रेड वार होने वाला है, अब बहुत भयंकर होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जो चाइना की इकोनॉमी है 14 ट्रिलियन के आसपास की है, अब ये शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग के लिए हम बहुत फेवरेबल कंट्री इंडिया के, लेकिन ये भी भ्रम में ना रहे कि हम ही केवल एक ऐसी कंट्री हैं जहां दुनिया की निगाह होगी। दुनिया की निगाह यूरोपियन कंट्री में इसलिए नहीं हो सकती है कि जर्मनी ऑलरेडी बहुत तरह की चीज़ों के प्रोडक्शन में है और एक ऑप्टिमाइज हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो उस तरह के रीजन में नीदरलैंड और इस तरह की कंट्री में प्रोडक्शन करना आसान काम नहीं है। अब बचा क्या, एशिया रीजन। एशिया रीजन ही सबसे फेवरेबल है इस ट्राइंगल को बेनिफिट देने के लिए। यानी अगर मैं एशिया में बात करूं तो कौन कौन सी कंट्री है जो इसका बेनिफिट ले सकते। मेरे हिसाब से मानना है कि इंडिया नंबर वन है, उसके रीजन्स बताऊंगा। उसमें दूसरी लड़ाई ताइवान से है, बांग्लादेश से भी है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया। ये ऐसी कंट्री हैं
जो एक तरह की कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, और इस कंपटीशन में बहुत पैरामीटर्स होंगे जिस पैरामीटर्स पे हर कंट्री को आगे आके काम करने की ज़रूरत होगी, और उनको ये दिखाने की ज़रूरत होगी दुनिया को कि हम एक बेस्ट डेस्टिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब इसमें इंडिया का एज क्यों सबसे ज़्यादा है, मैं कुछ कंटेंट पहले बताऊं इंडिया के बारे में, आप हैं बट इंडिया के बारे में। एक तो हम यंगेस्ट कंट्री हो जाएंगे दुनिया में, हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन होगा जो कि 28 साल के आसपास का होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बाद लगभग 550 मिलियन यूज़र वर्किंग मैन पावर हमारे पास होगा। इतना बड़ा मैन पावर दुनिया में चाइना के बाद इंडिया के पास ही है। उसके अलावा अब हमारे साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग में हमारी रैंकिंग 63 है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस प्रोसेस में अभी हमारे गवर्नमेंट को कुछ काम करने की ज़रूरत है। खैर ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा ह्यूमन इंडेक्स में भी इंडिया का 129 नंबर है, ये भी एक तरह की कह सकते हैं कि इसमें भी गुंजाइश है। दूसरा ताइवान भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ताइवान ऑलरेडी बहुत तरह की चीज़ों में प्रोडक्शन है। प्रॉब्लम क्या है ताइवान के साथ, ताइवान की एक तो जो एवरेज एज है 42 साल के आसपास है, तो ताइवान उस तरह का मुझे नहीं लगता कि बहुत फेवरेबल कंट्री होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ उसके पास लगभग 13 मिलियन के आसपास ही मैन पावर है, तो बहुत बड़ा मैन पावर उनके पास नहीं जो चाइना की भरपाई कर सके। तो वो कंपटीशन में है लेकिन उस तरह के कंपटीशन में नहीं है। बांग्लादेश एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसका पॉपुलेशन 80 मिलियन के आसपास है और 27 साल का उसका भी एवरेज एज है और ग्रोथ रेट 7.9 का है। बट इनकी भी जो इज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में अगर हम बात करें तो इनका हालत बहुत ख़राब है, 168 है, यानी उस तरह से इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलके काम करता है तो हमारे लिए कंपटीशन है, यानी कि इंडिया के लिए एक तरह का कंपटीशन पैदा हो सकता है इंडिया के लिए। फिर मलेशिया भी एक कंपटीशन है, क्योंकि मलेशिया का भी एज 28 साल के आसपास है, 20 मिलियन के आसपास वर्किंग आबादी है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका रैंक 12 है, बहुत अच्छा है, यानी कि वहाँ पे चीज़ों को उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना होना चाहिए। उसके अलावा द फाइनेंशियल कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स में भी उसका रैंकिंग 25 है, यानी कि वो बहुत मामलों में एक सूटेबल कंट्री है, ऑलरेडी वो डेवलप भी कर रहा है और 4.7 का जीडीपी भी है उनका। थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड की भी एज 38 के आसपास है, हमारे से बहुत आगे, मतलब बहुत ज़्यादा है, उतना उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। 40 मिलियन का वर्किंग पॉपुलेशन है, तो ये उस लेवल पे नहीं है कि हमारे लिए कॉम्पिटिशन, लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़ाई में ये भी है। इंडोनेशिया भी बहुत कह सकते हैं अच्छी लड़ाई में है, साथ के साथ उनके पास 162 मिलियन का पॉपुलेशन है। उसी तरह वियतनाम, पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया बहुत नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है वो भी, और वहाँ पे जो जीडीपी है ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे, तो उनके पास उतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी को 2-3 फोल्ड कर सकें बहुत आसानी से। अगर हम यहाँ पे देखें तो केवल एक इंडिया है, बट इंडिया के साथ अपनी बहुत तरह की प्रॉब्लम है। पहली चीज़, आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको अब फाइनेंशियल लीडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसे फाइनेंशियल लीडर हमें चाहिए, एक नहीं पूरी टीम चाहिए जो ये चीज़ों को समझ पाए। समझने के बाद जो रिक्वायरमेंट हो बिज़नेस की, उस बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन लॉ को मॉडिफाई किया जा सके। क्योंकि इंडिया के साथ एक और दिक्कत है कि जो फाइनेंशियल कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स है, जिसको आप लॉ से रिलेटेड कह सकते हैं, उसमें हमारी रैंकिंग 28 है। यानी कि इंडिया को अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करना होगा कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास लेके आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये काम तभी हो सकता है कि हम जब दो फैक्टर पे काम करें, एक जिस फैक्टर में हम बहुत स्ट्रांग है, हमारी लीडरशिप जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी का है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे हमें कोई किसी तरह की मुझे विजन की कमी नहीं दिखती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें एक फाइनेंशियल लीडर भी अब चाहिए। एक लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है वो पॉलिटिक्स समझता है, हमें फाइनेंशियल लीडर इसलिए चाहिए, और एक नहीं कम से कम 5-10 लोगों की टीम चाहिए जो इस अपॉर्चुनिटी को समझे, इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दुनिया से डील करे
उनको एक कॉम्पोजिट प्लान दे और उनको इंडिया में लेके आए। अगर आप जापान को देखें तो जापान भी अभी रास्ता ढूंढ रहा है। जापान की भी इकोनॉमी में चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो चाइना कहीं ना कहीं जापान को भी हिट कर रहा है। जापान का पूरा जो जीडीपी है वो भी 18% के आसपास है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से। यानी कि हर कंट्री आज अब एक फोरम बना के आज ना कल चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश होगी। ये ग्लोबल कोशिश होगी। इस ग्लोबल कोशिश में किसी भी कंट्री को बेनिफिट होना है, मुझे नहीं पता किसको होना, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट हैं दुनिया के लिए। हमारे पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर की थोड़ी कमी है, लेकिन हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। अब काम क्या है? काम ये है कि भारत सरकार एक फाइनेंशियल टीम बनाए, उस टीम के थ्रू हर कंट्री से निगोशिएट करे, उनके प्रॉफिट की बात करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी की बात करें। अपने लिए तो अपॉर्चुनिटी की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, उनको उस हिसाब से कंफर्ट देने की ज़रूरत है। हमें उस हिसाब से अपने एफडीआई के पॉलिसीज़ में चेंज करने होगी, अपने लॉ में चेंज करना होगा, इनकम टैक्स में चेंज करना होगा, आपके लोकल लेबर लॉ में चेंज करना होगा। ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत होगी अगर हम चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब सिनारियो आज से 1 साल पहले के जो सिनारियो थे उसमें और अब में बहुत फर्क है। बहुत ही यू टर्न ले चुका है दुनिया। इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए अगर गवर्नमेंट ने उस तरह के प्रपोजल्स बनाए जो कि दुनिया के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो पाया अगर इंडिया, तो डेफिनेटली हम 5 ट्रिलियन के आगे भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर, क्योंकि चाइना ऑलरेडी 14 ट्रिलियन पर बैठा हुआ, अगर 2 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी उसकी नीचे जाती है, ये 2 ट्रिलियन कहीं तो बटेगा। अगर ये बटेगा तो किसी को मिलेगा, उसमें हम क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए, और मुझे लगता है कि हमें इस लड़ाई का मेजर बेनिफिट हमें इसका मिलना चाहिए। क्योंकि हम उस तरह से अपनी पोजीशनिंग अगर कर पाएँ, तो मेरा मानना है कि ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, ठीक है जो प्रॉब्लम है वो एक तरफ है, वो तो हमारे और आप, हम और आप अपने घर पे बैठ के उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ, तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम तो कैपिटल कंट्री है नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। जो कंट्री अपनी चीज़ों को मूव करेगी वो कैपिटल लेके आएगी। याद रखिएगा, अगर जापान चाइना से कुछ अपना चीज़ मूव करता है, जापानीज़ कंपनी, उनके पास बहुत कैपिटल है, उनके पास तो 0% इंटरेस्ट पे चीज़ें मिल रही हैं। यूएस गवर्नमेंट, जर्मनी, ये ऑल कैश रिच कंपनी है, यूके, इनके पास कैपिटल की दिक्कत नहीं है। अगर ये वहाँ से मूव करके कोई, और ये याद रखिएगा, ये एक बार में नहीं होना है कि एक रात ऐसा आएगा कि चाइना का सारा इम्पोर्ट कुछ नहीं होने वाला है, ये शिफ्ट वाइज शिफ्ट होंगे। धीरे धीरे इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। मेरा मानना है कि ये शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, और अगर हमने इस लीवरेज को अपने साथ मैप कर लिया तो हम एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन सकते हैं। हमारी आज की डेट में जो हमारा पूरा इंफ्रा है उसके लिए तैयार है, हम एक्सेलरेट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे हम जा सकते हैं। लेकिन अगेन, हमें यहाँ 2 रिक्वायरमेंट है, 2 लीडर की ज़रूरत है। एक हमारे जो सुपर हीरो हैं, जिनको लोग सुपर हीरो कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उसके अलावा उस गाड़ी में एक और ड्राइवर की ज़रूरत है जो फाइनेंशियल ड्राइवर हो, जो फाइनेंस की बारीकियों को ग्लोबल लेवल पर समझता हो और नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे लेके जा सके। यानी कि अब टाइमिंग है कि एक टेबल पे हमारे पॉलिटिकल लीडर और फाइनेंशियल लीडर बैठ के प्लान करें, ना कि एक आदमी ही प्लान करें, और एक कॉम्पोजिट प्लान बना के दुनिया के सामने रखें, ताकि दुनिया को लगे कि हम एक ताकत की तरह बाहर आ रहे हैं। और हम केवल यही नहीं कि आज हम मेडिकल के लिए, तो आप देख ही रहे हैं कि हमने कितनी चीज़ों में कहाँ कहाँ मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, एक पावर की तरह भी निकल के आए, और जो कि एक दुनिया को एक करी की तरह शिफ्ट कर पाए। तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे हिसाब से, और मेरा मानना है कि अगर हमने इसको, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाए, तो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी पता नहीं दोबारा कब आएगी, हिस्ट्री में कब आएगी, ये कहना मुश्किल है।
लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए। ये गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी है, अगर हमने एक बार सवारी कर ली इस गाड़ी में तो फिर कहने की बात नहीं होगी। बहुत बिलियनेयर पैदा होंगे, बहुत ट्रिलियन डॉलर की कंपनी भी पैदा होगी इंडिया में अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, और मैंने कोशिश किया इस एंगल को समझे और समझाने के लिए, और उसमें कुछ डेटा का भी रखा, वो डेटा भी आप देख ही रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ हम सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और हमारे ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।